नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती के वरदान की वजह से भगवान शिव ने एक राक्षस जो कि बहुत उत्पात मचा रहा था उसे नहीं मारा था? जी हाँ दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ ऐसी ही है। शिव पुराण के अनुसार दारुका नामक एक राक्षस अपनी पत्नी दारुकी के साथ एक वन में रहता था और उस वन का नाम था दारुका वन। दारुकी माता पार्वती की भक्त थी और माता पार्वती ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे यह वरदान दिया था कि दारुकी जहाँ भी जाएगी वह अपने साथ दारुका वन को भी ले जा सकेगी। राक्षस दारुका उस वन में काफी उत्पात मचा रहा था और वहां के ऋषि मुनियों और निवासियों को परेशान कर रहा था। इस पर महर्षि औरव ने दारुका को श्राप दिया कि अगर वो पृथ्वी पर उत्पात मचाएगा तो उसी क्षण खत्म हो जाएगा। ये खबर मिलते ही देवी देवताओं ने दारुका वन के राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। देवी देवताओं के प्रकोप से बचने के लिए दारुका और दारुकी उस वन को अपने साथ समुद्र में ले गए। एक दिन सुप्रिया नामक एक शिव भक्त कई अन्य लोगों के साथ एक नाव में दारुका वन के पास से गुजर रहा था। यह देख राक्षस दारुका ने सुप्रिया और नाव में बैठे अन्य लोगों को बंदी बना लिया और उन्हें दारुका वन के कारागार में बंद कर दिया। सुप्रिया परम शिव भक्त था और उसने कारागार में सभी बंदियों से शिव अर्चना करने को कहा। थोड़ी ही देर में उस कारागार में ओम नमः शिवाय के मंत्र गूंजने लगे। यह सुनकर दारुका काफी क्रोधित हुआ और उसने सुप्रिया को मारने का आदेश दिया। तब सुप्रिया की रक्षा करने के लिए भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। क्योंकि इस राक्षस के जोड़े को माता पार्वती से वरदान मिला हुआ था इसलिए भगवान शिव स्वयं इसे नहीं मार सकते थे। इसलिए भगवान शिव ने सुप्रिया को पशुपत अस्त्र दिया और स्वयं इस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए जिससे कि यहाँ के लोगों की रक्षा कर सकें। इस तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुका वन में स्थापित हुआ। दारुका वन को आज द्वारका के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की पूजा किया करते थे। इस ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर के कुछ विवाद भी हैं। कुछ के अनुसार ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है, कुछ के अनुसार ये महाराष्ट्र में हिंगोली में है और कुछ के अनुसार यह गुजरात में द्वारका के पास दारुका वन में है। इस वीडियो में हम द्वारका के नागेश्वर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की एक काफी ऊंची प्रतिमा भी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भगवान शिव के नागों के रूप को दर्शाता है। ओम नमः शिवाय।